हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 36 पाइथन एंड हिंदी, और इसमें हम सीखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग टाइप्स। ओके, तो अगले लेसन में देखा था कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करते हैं यूजिंग फॉर्मेट मेथड। तो इस लेसन में सीखेंगे कि फॉर्मेट मेथड के अंदर वेरिएशन कैसे ला सकते हैं, और उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको फॉर्मेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेटिंग के टाइप कौन से हैं। देखो, आपको फॉर्मेटिंग में क्या करना होता है कि प्लेस होल्डर होता है, उसके अंदर स्ट्रिंग या कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है। ओके, और वो डिस्प्ले होती है वैल्यू, तो उसको आप कैसे फॉर्मेट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, और मैं लिखता हूँ वी हैव ब्रैकेट्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, इस तरीके से मैंने लिखा और प्रिंट करता हूं मैं इसे str.format इनटू ब्रैकेट, मैं लिखता हूं 30। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर 30 लिखा हुआ आएगा। देखिए, वी हैव 30 स्टूडेंट्स। ओके, पर इसके अंदर देखो, यहां पर 30 जो है वो बीच में आता है, और यहां पे आपको स्पेस रखनी है। प्लेस होल्डर के अंदर आपको 8 कैरेक्टर या 9 कैरेक्टर जितनी स्पेस रखनी है तो भी आप रख सकते हो, और उसमें आप अलाइनमेंट दे सकते हो कि ये जो वैल्यू 30 डिस्प्ले हो रही है वो राइट हैंड साइड डिस्प्ले होगी, लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्ले होगी। ओके, तो आप यहाँ पर ब्लॉक बना सकते हो। ओके, प्लेस होल्डर के अंदर देखो किस तरीके से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलन एंड लेस देन 8। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि आउटपुट में ये जो प्लेस होल्डर है इसको कितनी स्पेस मिलेगी, 8 कैरेक्टर जितनी स्पेस मिलेगी। ओके, और लेस देन किया तो उसका क्या मतलब है कि लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये 30 डिस्प्ले होगा, यानी कि प्लेस होल्डर को कितने कैरेक्टर मिलेंगे, 8 कैरेक्टर जितनी स्पेस मिलेगी उसे, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 30 डिस्प्ले होगा। देखिए, मैं वापस से रन करता हूँ और यहाँ पर आउटपुट देखिए आप, ये जो 30 डिस्प्ले हुआ और यहाँ पर इतनी स्पेस मिलती है। ओके, तो 8 कैरेक्टर जितनी स्पेस यहाँ पर मिलती है, देखो ये डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 डॉट है। ओके, तो 7 जितनी आपको स्पेस मिलती है, और लेफ्ट हैंड साइड ये 30 डिस्प्ले होगा, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन। ओके, अब हम देखते हैं राइट अलाइन, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ str इक्वल टू वी हैव देन कोलन, और ग्रेटर देन साइन करनी है, तो ग्रेटर देन साइन करने से आपको क्या मिलेगा, राइट अलाइन मिलेगा। ओके, वी हैव ब्रैकेट एंड स्टूडेंट, तो इसे क्या बोलते हैं, राइट अलाइन, राइट अलाइन। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट str.format एंड 30, तो यहाँ पर 8 कैरेक्टर जितनी स्पेस मिलेगी, 8 की जगह पर आप 9 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, और ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि ये अलाइनमेंट कैसा होगा, राइट अलाइनमेंट, यानी कि 8 कैरेक्टर जितनी स्पेस मिलेगी। ओके, और उसके बाद 30 डिस्प्ले होगा। ओके, तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 30 जो है वो राइट हैंड साइड डिस्प्ले होता है। यहाँ पर ऊपर जो लिखा था लेस देन 8, उसका मतलब है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। अब देखते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ओके, str इक्वल टू वी हैव देन कॉलन, और ये साइन करके आप देखिए, ये साइन करके आप सेंट्रल अलाइनमेंट कर सकते हो। देखो इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर अलाइन। ओके, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट दैन str.format। ओके, एंड इसके अंदर 30 40 जो भी लिखना हो। ओके, तो ये साइन करने से आपको सेंटर अलाइनमेंट मिलेगा। देखिए, ये हुआ लेफ्ट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट, और ये सेंटर अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आपको लेस देन साइन करनी है, राइट अलाइनमेंट के लिए ग्रेटर देन साइन करनी है,
और सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको करना है ये साइन। ओके, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, अब देखिए, अब इक्वल टू साइन करके हम देखते हैं क्या होता है। ओके, str इक्वल टू वी हैव कॉलन इक्वल टू एंड एट में लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या आता है उसके अंदर। ओके, str डॉट फॉर्मेट एंड 30। ओके, तो इक्वल टू करने से क्या होता है, देखो इक्वल टू करने से बाय डिफॉल्ट ये जो है वो राइट अलाइनमेंट होगा। ओके, देखो यहाँ पर आता है वी हैव एंड दिस 30 डिस्प्ले हुआ, देन स्टूडेंट्स। ओके, तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ओके, और ये मोस्ट लेफ्ट पोजिशन है। ओके, इसे बोलते हैं मोस्ट लेफ्ट पोजिशन इक्वल टू करके। ओके, तो इस तरीके से, सॉरी मोस्ट, ये राइट पोजिशन है, राइट हैंड साइड डिस्प्ले होता है इसलिए। ओके, तो इक्वल टू से राइट हैंड साइड डिस्प्ले होता है। ओके, अब देखो इक्वल टू में और भी आता है, यहां पर मैंने माइनस साइन करना है। ओके, देखो मैं माइनस साइन करता हूं इस तरीके से माइनस 30। ओके, तो क्या होगा, देखिए कंट्रोल बी प्रेस करता हूं, मैं रन करता हूं, तो देखो इसका आउटपुट क्या आया कि जो साइन होती है ना वो लेफ्ट हैंड साइड आती है और नंबर जो होता है वो आता है राइट हैंड साइड। ओके, तो इक्वल टू से ये भी होगा। यदि आप यहाँ पर पॉजिटिव देते हो, ओके, तो प्लस साइन नहीं आएगी। देखो यहाँ पर प्लस साइन नहीं आती है, तो बाय डिफॉल्ट प्लस साइन नहीं आती है और राइट हैंड साइड 30 डिस्प्ले होता है। और यदि आप यहाँ पर साइन करते हो माइनस 30, माइनस 50, नेगेटिव नंबर इसको देते हो आप, तो साइन जो होती है नंबर की पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये साइन लेफ्ट हैंड साइड आएगी और नंबर होगा राइट हैंड साइड डिस्प्ले। ओके, तो ये है इक्वल टू। ओके, ओके, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको यदि प्लस या माइनस साइन डिस्प्ले करनी है, ओके, तो भी आप कर सकते हो। देखिए str इक्वल टू वी हैव ब्रैकेट, ओके, कॉलन एंड प्लस रुपीस। ओके, प्रिंट str डॉट फॉर्मेट इंटू ब्रैकेट 500। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस 500, या आप ना लिखे तो भी चलेगा। देखो मैं रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर प्लस साइन बी डिस्प्ले होगी। ओके, वी हैव प्लस 500 एंड रुपीस। तो यदि आपको प्लस साइन डिस्प्ले करनी है, ओके, तो कॉलन एंड प्लस यूज करना है। ओके, और यदि आपको माइनस साइन डिस्प्ले करनी है, ओके, तो आप यूज कर सकते हो माइनस डैश। देखो यहां पर मैं लिखता हूं डैश। ओके, मैंने कॉपी किया ऊपर का कोड, मैंने डैश कर दिया। अब देखिए वी हैव 500 रुपीस। ओके, तो माइनस साइन जो है वो यहां पर यदि आप माइनस करेंगे तो ही आएगा, देखिए माइनस 500। ओके, तो माइनस के लिए आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा, प्लस के लिए प्लस की जरूरत नहीं है। ओके, और मैं यहां पर मैं लिखता हूं माइनस 1000 रुपीस। ओके, माइनस 1000 रुपीस। तो इसका क्या मतलब है कि प्लस साइन जब आप यूज करते हो इस तरीके से, तो ये नंबर का जो भी साइन होगा वो डिस्प्ले होगा। देखिए यहां पर माइनस 1000 आता है। ओके, तो प्लस जो सिंबल है वो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों के लिए यूज आप कर सकते हो। ओके, देखो यहां पर मैंने नेगेटिव 1000 लिया पर ऊपर किया प्लस। ओके, तो भी ये यहां पर माइनस 1000 ही बताता है। ओके, और यदि आप यहां पर पॉजिटिव नंबर लेते हो तो वो प्लस 1000 बताएगा। ओके, तो प्लस जो सिंबल है वो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों के लिए यूज कर सकते हो, पर ये जो माइनस है वो सिर्फ नेगेटिव के लिए ही काम करता है, प्लस के लिए काम नहीं करेगा। देखिए मैं यहां से माइनस साइन हटा देता हूं, अब इसको रन करता हूं मैं, तो यहां पर देखिए 500 रुपीस आता है। ओके, पर ये प्लस सिंबल यहां पर नहीं आता है,
यदि आप माइनस करेंगे तो ही वो सिंबल बताएगा, माइनस सिंबल। ओके, तो प्लस जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर के लिए यूज आप कर सकते हो, और माइनस सिंबल, डैश सिंबल, वो सिर्फ नेगेटिव नंबर ही डिस्प्ले करेगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं हम, और थाउजेंड सेपरेटर हम सीखते हैं। देखो, str इक्वल टू वी हैव, देन आपको ब्रैकेट करने हैं अंदर कोलन एंड कॉमा, तो ये होता है कॉमा यानी कि थाउजेंड सेपरेटर। देखिए कैसे वर्क करेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। str डॉट फॉर्मेट, ओके, थाउजेंड सेपरेटर बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं 10,000 एंड 1,00,000 रुपीज, ओके, 1,00,000 रुपीज यहाँ पर मैंने लिखे। ओके, तो ये ऑटोमेटिक 1,000 सेपरेटर रख देगा। देखिए यहाँ पर देखो, ये तीन बार जीरो के बाद ये यहाँ पर कॉमा आ गया। ओके, और ये तीन नंबर के बाद कॉमा, तो ये देखिए यदि हम चार पांच नंबर और जोड़ देते हैं इसमें, चार पांच जीरो, तो ये देखिए ये 1,000 सेपरेटर बन गया है यहाँ पर। ओके, तो यदि आपको आउटपुट स्ट्रिंग में 1,000 सेपरेटर चाहिए तो इजीली आप कॉलन एंड कॉमा का यूज करके कर सकते हो। ओके, और 1,000 सेपरेटर जो है उसकी जगह पर आप अंडरस्कोर भी कर सकते हो। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लिखता हूँ। ओके, और मैं रन करता हूँ, तो देखिए ये कॉमा की जगह क्या आया, अंडरस्कोर आ गया। तो ये होता है 1,000 सेपरेटर। ओके, और हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक, स्पेस आप रखना चाहते हो ओके तो भी रख सकते हो। देखिए वी हैव ब्रैकेट एंड रुपीस, ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट एंड str डॉट फॉर्मेट। ओके, मैं लिखता हूं 500, और यहां पर मैं कॉलन एंड स्पेस रखता हूं। ओके, एक स्पेस मुझे देनी है। ओके, तो मैं एक स्पेस रखूंगा और रन करता हूं मैं। ओके, तो देखिए यहां पर स्पेस आती है। ओके, देखो एक्स्ट्रा स्पेस यहां पर आ गई आउटपुट के अंदर, वी हैव, देन एक ही स्पेस आनी चाहिए पर दो बार स्पेस आती है। ओके, यदि आप यहां पर दो स्पेस देते हैं, देखो कॉलन के बाद 1, 2, 3, मैं तीन स्पेस देता हूं, तो आउटपुट में क्या होता है देखिए, तो एरर आएगी। ओके, एक ही बार आप यहां पर स्पेस दे सकते हो, ये एक स्पेस एक्स्ट्रा देनी है तो आप दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप आउटपुट को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देखिए ये 1,000 सेपरेटर बहुत ही अच्छी तरीके से, ये कॉमा और अंडरस्कोर, ये 1,000 सेपरेटर है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है हर एक तीन नंबर्स के बाद। ओके, तो देखिए इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ सीखा फॉर्मेटिंग टाइप के बारे में, लेस देन यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट, ग्रेटर देन यानी राइट अलाइनमेंट होगा। ओके, ये सिंबल यानी सेंटर अलाइनमेंट, इक्वल टू यूज करेंगे तो आपका जो नंबर का साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा और नंबर राइट हैंड साइड आएगा। ओके, प्लस सिंबल किसके लिए यूज होता है, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो तो साइन डिस्प्ले करने के लिए। नेगेटिव ये डैश किसके लिए यूज होता है, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के लिए। ओके, फिर कॉमा एंड अंडरस्कोर वो 1,000 सेपरेटर है, और स्पेस यदि आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो कॉलन के बाद स्पेस रख दीजिए। ओके, तो ये होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके, तो मिलते हैं अगले लेसन में, थैंक यू।